वो नारद नहीं है। जो घर तोड़े वो नारद नहीं, लेकिन घर को जोड़े ना वो नारद है। वो तोड़े वो नारद नहीं है, लेकिन जोड़े नारद है। भक्ति के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से जो टूटे हुए और बिखरे हुए परिवार को जो युक्त करे वो नारद है। और घर घर तक नारायण 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 का मंत्र जाप जो घर घर तक गुंजायमान किया वो नारद है, भक्ति मार्ग के आचार्य। जो सदैव परमात्मा के नाम में रत रहे वो नारद। नारद का अर्थ यही है, नारायण नारायण। तो देवताओं ने नारद जी को कहा कि जाओ ये काम करो, आप महादेव जी के पास जो वल्डेश्वर बाबा जी के पास जो कथा है ना वो घर घर तक जानी चाहिए, ऐसा कुछ करो। नारद जी ने कहा ये काम मेरा, मैं जाऊंगा कैलाश में। तो वीणा बजाते बजाते नारद जी आज देवताओं की विनंती सुनकर और देवताओं के मन के मन की भावना के घर घर तक ये कथा पहुंचनी चाहिए, इसीलिए नारद जी आज परमात्मा का नाम लेते लेते निकले हैं कैलाश की ओर। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण। सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण, हेलो री सूर्य नारायण नारायण नारायण, चंद्र नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण हरि बोल नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, वाह बाप जी वाह। पिता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, नर नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, ओ नर नारायण नारायण नारायण, हरे नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि बोल नारायण।
છે નારાયણ 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 પિતા નારાયણ 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 પિતા નારાયણ 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 માતા નારાયણ 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 માતા નારાયણ એ હાલો શ્રીમન નારાયણ 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 સૂર્ય નારાયણ 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 સૂર્ય નારાયણ 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 બદ્રી નારાયણ 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 બદ્રી નારાયણ 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 બદ્રી નારાયણ 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 જય શ્રીમન નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ 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 બદ્રી નારાયણ 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 બદ્રી નારાયણ 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 નર નારાયણ 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 નરી નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ 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 ભગવાન કા નામ લેતે લેતે નારદજી નારાયણ નારાયણ મંત્ર જાપ જપતે જપતે દેવર્ષિ નારદજી આજ પધારે હે કૈલાસ મેં बाबा जी के पास जो अमर कथा है भागवत जी की ये कथा महादेव जी के पास थी और ये कथा घर घर तक पहुंचनी चाहिए इसलिए नारद जी कैलाश में आए तो पार्वती जी ने स्वागत किया आओ आओ नारद जी आपका स्वागत है आज हम आप हमारे कैलाश में पधारे तो अचानक आप पधारे तो आने का कारण क्या आप बताइए तो नारद जी ने कहा देखो माँ आज मैं इसीलिए प्रातः काल कैलाश में आया उनका एक कारण है कि जब जब मैं ब्रह्मलोक में जाऊं और ब्रह्मा जी के गले में देखूं तो बहुत सुंदर रुद्राक्ष की माला होती है ब्रह्मा जी के गले में और जब मैं वैंकुट में जाऊं तो भगवान नारायण के गले में वैजयंती की माला होती है पुष्प की माला होती है नारायण के गले में लेकिन जब मैं कैलाश में आता हूं और महादेव जी के गले में देखूं तो ये मुंड की माला होती है और मुझे मन में विचार आवे कि मुंड की माला कौन सी है जब जब मैं अकेला बैठता हूं तो मन में विचार आवे कि महादेव जी के गले में ये मुंड की माला कौन सी है मां जब समय मिले तो महादेव जी को पूछ लेना इनका कारण क्या है ठीक है लो नमो नारायण और नारद जी निकल गए लेकिन मां पार्वती जी को चैन नहीं है
ये नारद मुनि कुछ कहकर गए उसमें कुछ संकेत है। तो पार्वती जी आई भोले बाबा के पास, ध्यान में बैठे हुए थे समाधि में महादेव जी, और पार्वती ने आकर यूं आवाज दी, महाराज समाधि तोड़ो और जागृत हो। तो बाबा जी ने आंख खोली पार्वती के सामने, और पार्वती का विकराल स्वरूप, बिखरे हुए केस, लाल आंख। महादेव जी ने तुरंत पूछा, देवी आज प्रातः काल कैलाश में कोई आया था? तो पार्वती ने कहा, बाबा आए थे कौन? नारद जी। तो हो गया, सुबह सुबह में आए थे? बोले सुबह सुबह में। अच्छा क्यों आए थे बताओ देवी? तो पार्वती ने कहा, महाराज इसीलिए मैं आपके पास आई हूं। कि क्यों आए थे नारद जी? ब्रह्मा जी के गले में रुद्राक्ष की माला है, भगवान नारायण के गले में वैजयंती जी की माला है, लेकिन आपके गले में ये मुंड की माला कौन सी है मुझे जवाब दीजिए? ये खोपड़ियों की माला आपने पहनी हुई है कौन सी है मुझे जवाब दीजिए? तो महादेव जी ने कहा, अरे देवी छोड़ो, अब ये बात को जानकर आपको क्या करनी है? तो कहने, मुझे बताओ ये मुंड की माला कौन सी है जवाब दीजिए। तो महादेव जी ने बड़े स्नेह से माँ पार्वती को जवाब दिया, सुनो देवी, तो मुझे आपके ऊपर प्रेम बहुत है, और इतना प्रेम है कि आपका प्रत्येक युग में जन्म होवे मृत्यु होवे, जन्म होवे मृत्यु होवे, तो ये आपके मुंड की माला वो मेरे गले में पहनी हुई है, मुझे बहुत प्रेम है ना इसीलिए। तो पार्वती ने कहा, महाराज आपको इतना प्रेम है तो क्या मुझे प्रेम नहीं है? मेरे मुंड की माला आपके गले में है तो आपके मुंड की माला मेरे गले में नहीं होनी चाहिए? तो बात भी सही है, आपको भी प्रेम है और मुझे भी प्रेम है, तो आपके मुंड की माला मेरे गले में भी होनी चाहिए कि नहीं? तो महादेव जी ने कहा, सुनो देवी, आपका जन्म होता है आपका मरण होता है, आपका जन्म होता है आपका मरण होता है, लेकिन मैं देवी अजर और अमर हूं, मैं अजन्मा हूं, और मेरा जन्म नहीं हुआ तो मेरा मृत्यु कैसा होगा? मैं तो अजन्मा हूं देवी। तो पार्वती ने कहा, बाबा ऐसी आपके पास कौन सी जड़ी बूटी है कि आपका मृत्यु नहीं होवे? जरा मुझे भी पिलाओ तो मैं भी अमर बन जाऊं, कौन सी दवाई आपके पास है मुझे बताओ। बाबा जी ने कहा, सुनो देवी, मेरे पास एक औषधि है, मेरे पास एक जड़ी बूटी है, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। ये राम नाम की और श्याम नाम की औषधि मेरे पास ऐसी है जिनके माध्यम से देवी मैं अजर और अमर हूं, मेरा मृत्यु नहीं होता है ये औषधि के माध्यम से। पार्वती ने कहा, महाराज जी एक काम करो, तो मुझे भी ये औषधि पिलाओ ना, मुझे भी ये कथा सुनाओ अमर कथा, मैं अजर और अमर बन जाऊं, मुझे भी ये कथा सुनाओ। महादेव जी ने कहा, इसे मैं कथा नहीं सुनाऊं तो उनकी एक शर्त होगी, कौन सी शर्त बताओ बाबा जी? तो महादेव जी ने कहा कि मैं जब कथा पढूं तो बीच बीच में आपको बोलना है हरे हरे, ये शर्त है, और हरे हरे बोलना आपका छूट गया तो मेरी कथा बंद, मंजूर? तो क्या मंजूर, चलो आपको भी बीच बीच में बोलना है हरे हरे, बोलो हरे हरे, हाथ ऊपर करके बोलो, चलो हरे हरे, तीन बार बोलो। अब जब आपको अच्छा कथा का कोई दृष्टांत लगे, कोई अच्छा भजन लगे, कोई अच्छी धुन आपको आनंद में आ जावे, तो बीच बीच में आपको बोलना है क्या बोलना है? अरे अरे, हाँ ये शर्त है, और शास्त्र में लिखा है कि तीन बार हरे हरे बोलने से हमारे समस्त पाप जलकर राख हो जाते हैं, ये नाम की महिमा है। तीन बार बोल दो हरे 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 तो हमारे सकल पाप जलकर राख हो जावे, ये नाम की महिमा है। तो देवी बीच बीच में आपको बोलना है हरे हरे, मंजूर? मंजूर, आप कथा करो। तो कैलाश में आज महादेव जी वक्ता बने, और सामने श्रोता कौन बैठी? पार्वती जी कैलाश में। तो कथा शुरू की, भोले बाबा ने, वल्डेश्वर दादा ने कथा शुरू की, और जैसे ही कथा शुरू की और वो कथा पार्वती के भीतर गई, तो पार्वती को नींद आने लगी,
नींद आने लगी, आंख बंद हो गई। ये जब कथा आती है ना तो नींद आती हो, और नींद को ये भाषा में अपनी मारवाड़ी भाषा में क्या कहते हैं, नींदी कहते हैं, बरोबर के नहीं। कथा भीतर गई पार्वती के, तो पार्वती को नींद आने लगी, सो गए। पहले तो थोड़े थोड़े बोली हरे 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 हरे, लेकिन कथा गई तो मन शांत हुआ, और मन शांत हुआ तो सो गए पार्वती जी। नियम है कि जहां जहां कथा आती है ना वहां नींद आती है। तीन चार घंटे की कथा कोई भी वक्ता पंडित जी पढ़े तो कई लोग तो आराम से सोने के लिए आते हो, के अच्छा माइक है, अच्छा वीडियो शूटिंग है, और अच्छी व्यवस्था है, अच्छा संगीत बज रहा है, चलो पंडित जी। और उनको कितना भरोसा है देखो पंडित जी के ऊपर, कि बंबई से पंडित जी बोलेंगे, झूठ थोड़ी बोलेगा, सच ही बोलेगा ना, सो जाते शांति से आराम। ये कथा आती है तो नींद आती है। तो कभी आपने नोट किया कि भागवत जी की कथा होवे तो उसमें नींद क्यों आती है? उनकी एक महिमा है नींद की। महाभारत की कथा है, ध्यान से सुनना, बहुत समझने जैसी यह कथा है। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन वो दोनों जंगल में जा रहे थे। भगवान कृष्ण और अर्जुन, ध्यान से सुनो, तो दोनों जंगल में जा रहे थे, तो जंगल में एक सफेद साड़ी पहनी हुई स्त्री को देखा भगवान ने। सफेद साड़ी पहनी हुई थी और स्त्री को देखा, तो भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन वो सामने बैठी हुई स्त्री कौन है, जाओ उनका नाम और परिचय पूछ कर आओ। अर्जुन आए और माता को पूछा, बेन आपका नाम क्या है, ये जंगल में आप अकेली क्यों बैठी हो, आप क्यों रो रही हो, आपका परिचय दो। तो रोते रोते वो स्त्री ने कहा, अर्जुन मेरा नाम है गुडाका। ये नींद को संस्कृत में क्या कहते हैं? गुडाका। क्या कहते हैं? क्या? गुडाका। बोलो अरे अरे। तो वो स्त्री ने कहा, अर्जुन मेरा नाम है गुडाका, और इसीलिए मैं रो रही हूं कि जब तक मेरी शादी कन्हैया के साथ नहीं होगी तब तक मैं रोना बंद करने वाली नहीं हूं। हाँ, मेरी शादी होनी चाहिए कृष्ण के साथ। तो अर्जुन ने कहा, चिंता की बात कौन है, कृष्ण तो मेरे साथ है, आओ मैं आपकी शादी कराता हूं। तो अर्जुन ने गुडाका का हाथ पकड़ा, भगवान कृष्ण के पास आकर अर्जुन ने कहा, प्रभु ये आई हुई स्त्री, इनका नाम है गुडाका और इसीलिए रो रही है, आपके साथ शादी करने के लिए इनका इनका संकल्प है, तब तक ये रोना बंद नहीं करेगी प्रभु। तो भगवान ने अर्जुन के कानों में कहा, अर्जुन 16108 तो की अभी कितनी करनी है? तो कि वो मैं कुछ जानू नहीं, मैं यहां लाया हूं, आप उसको नाराज मत करो प्रभु, उनको वचन दो। पर हमारे ठाकुर जी इतने दया के सागर है, किसी को नाराज नहीं करते हो? नहीं, क्योंकि कृष्ण का एक नाम क्या है? दया के सागर, दया के सागर हो। हाँ, छोटी सी भूल हो जावे और मंदिर में जाकर यूं ठाकुर जी प्रार्थना करो, अरे मेरे ठाकुर जी हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आप हमें माफ करो, हमें क्षमा करो, बहुत दयालु है, दया के सागर है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन 16108 तो की अब कितनी करनी है? अर्जुन ने कहा, प्रभु वो मैं कुछ जानू नहीं, लेकिन यहाँ लाया हूं उनको आप कुछ ना कुछ वचन दो, उनको नाराज मत करो प्रभु। और उस वक्त प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी ने गुडाका को वचन दिया, हे गुडाका मैं तेरे साथ शादी तो नहीं करूं, लेकिन एक मेरा अटल वचन रहेगा कि जहां जहां मेरी कथा हो रही हो और जितने भी कथा सुनने के लिए बैठे हो उनकी आंखों में आकर आपको बैठ जाना है, ये मेरा अटल वचन रहेगा। हाँ, जहां जहां कथा हो और वहां गुडाका आवे। बोलो अरे अरे। तो अभी ये मंडल में अभी रात्रि की कथा है, बोलो 9:30 बज गए, 9:30, और गुडाका तो आने का ही है, वक्त तो है ही, गुडाका का वक्त ही आने का, और उसमें भी कथा है तो आएगी, गुडाका तो आएगी। और वह जहां कथा होती है भगवान की, फिर भागवत की कथा हो, शिव कथा हो, देवी भागवत हो या रामायण हो, जहां कथा होती है
वहां गुड़ा खाती है और हमारे भीतर आकर बैठ जाती है, हमें नींद आ जाती है। अब तो समय बहुत अच्छा है कि सब जागरूक होकर कथा सुनते हैं, लेकिन आज से 50 साल पहले आप देखो तो कैसा समय था। जब कथा शुरू होती थी तो पंडित जी की आंख बंद होती थी, और जब 3-4 घंटे की कथा पूरी हो जावे तो आंख खोले और आंख खोलकर देखे, सामने देखे तो सब सोए रहते हो, सब सोए रहते हो। ये गुड़ा का ये निद्रा देवी आएगी, जहां कथा आती है वहां निद्रा देवी आती है। और याद रहे, मानव को नींद तब ही आएगी जब मन की शांति होगी ना, तब। मन अशांत हो तो कितनी भी दवाई आप लोगे नींद नहीं आवे। लेकिन परमात्मा का नाम ऐसा है, परमात्मा की कथा ऐसी है जो हमें शांति प्रदान करती है मन को। कोई शरीर में रोग आया हो तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई तन में रोग हो ना तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाइयां देता है शरीर ठीक होने के लिए। लेकिन जब हमारे मन में कोई रोग आ जावे तो ध्यान दवे, वह मन का निदान एक ही शास्त्र और एक ही बात कर सकती है, परमात्मा की कथा। जो मन के रोग को दूर करे, निदान करे, ये परमात्मा की कथा है। और ये औषधि हमारे पास है, भव रोग हमारे दूर हो गए। भव रोग, आज किसी न किसी को कोई ना कोई बीमारी है, हम डॉक्टर के पास जावे कि देखो डॉक्टर साहब हमें कौन सा रोग है, बस उसी तरह डॉक्टर चेक करता है कि आपको ये रोग है, यो दवा लो ठीक हो जाएगा। बस उसी तरह हमारा मन भी कई सालों से बीमार है, और ये मन को स्वच्छ करने के लिए और मन का रोग दूर करने के लिए आज मांडल गांव में स्वयं भगवान कृष्ण आए हमारे बीच में, ये मन के रोग को दूर करने के लिए। और ये मन का रोग दूर हो जावे तो हमारा शरीर बिल्कुल पवित्र बन जावे, बिल्कुल पवित्र। और भगवान है ना, हमारे पास एक मन मांगते हो और कुछ मांगते नहीं है, हमारा मन। भगवान को यदि कुछ देना हो तो सुमन दीजिए, हमारा शुद्ध और सात्विक मन दीजिए ठाकुर जी के चरणों में, लो मेरे ठाकुर मैं आपको समर्पित कर रहा हूं ये मेरा मन, मन। और उनको मन नहीं दोगे ना कृष्ण को तो चुरा कर लेकर जाएंगे, इसलिए कृष्ण का एक नाम क्या है, चित्त चोर, चित्त चोर। सावरियो मारो चितड़ा नो चोर, सावरियो मारो चितड़ा नो चोर, तो अलबेलो रण छोड़, सावरियो मारो, सावरियो मारो, सावरियो, सावरियो मारो चितड़ा नो चोर, ए तो यल बेलो रण छोड़, ये तो चितड़ा नो चोर, चितड़ा नो चोर, चितड़ा नो चोर, चितड़ा नो चोर। वो भगवान कृष्ण को यदि हम चित नहीं देंगे तो चुरा कर लेकर जावे भगवान कृष्ण। भगवान का एक नाम है चित्त चोर, इसीलिए भगवान को यदि कुछ देना हो तो हमारा मन दीजिए, लो मेरे ठाकुर ये आपके चरणों में मैं समर्पित करता हूं। गीता जी में भगवान कृष्ण अर्जुन को एक ही बात बताते हैं, हे अर्जुन आपका मन मुझे दो, मन, और मैं कोई बात का भूखा नहीं हूं, बस मैं वैष्णव और भगवदियों के मन का भूखा हूं, मन मिल जावे कृष्ण राजी। मय्येव मन आदत्स्व,
मयी बुद्धिं निवेशय मय्येव मनादत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय मयि बुद्धिं निवेशय। वो मन मांगते है भगवान कृष्ण, चितड़ा नो चोर छे कृष्ण, इसलिए भगवान कृष्ण को हमारा मन दो। और मन है ना चंचल हो, भगवान देखो जो चंचल है ना वो चीज मांगते है कि मुझे मन दो मुझे मन दो। लेकिन मन है ना बहुत चंचल है, हम बैठे कथा में लेकिन कथा हमारे में कितनी। देखो हम तो अच्छी तरह बैठे कथा सुनने के लिए, लेकिन मन इतना चंचल है ना कि मांडल की बाजार में यूं चक्कर लगाकर बाद में यूं वापिस है वो गोठवाई जाए खबर न पड़े। बोलो ये मन की गति है, चंचल है, बहुत चंचल है हमारा मन। इसीलिए यह चंचल मन को स्थिर करने के लिए एक ही चीज है, जो चीज का नाम है परमात्मा की कथा। जो चंचल मन हमारा स्थिर होवे, एक सुई के ऊपर यूं राय का दाना रखो तो वो स्थिर रह नहीं पावेगा। बस उसी तरह एक पल भी हमारा मन स्थिर नहीं है, चंचल है। लेकिन ये 3-4 घंटा हम ठाकुर जी के शरण में बैठकर हमारा मन स्थिर करके जो कथा सुनते हैं ना, ये बहुत बड़ी चीज है। एक आपका और हमारा बहुत बड़ा ये अनुष्ठान है 7 दिन का। और खाली आनंद करने के लिए कथा नहीं हो कि बस दादा के सानिध्य में कथा आई तो हम कथा सुनने गए, नहीं नहीं, मनोरंजन के साथ साथ मनोमंथन भी जरूरी है। मनोमंथन, यहां से 3-4 घंटे की जब कथा पूरी हो जावे 11 बजे तो बाद में जब रात को अकेले बैठो तो 3-4 घंटे में जो जो कथा आई हो ना उसका मंथन होना चाहिए हमारे मन में कि आज पंडित जी ने कौन सी अच्छी कथा सुनाई है, उनका मंथन होना चाहिए। और संभव है कि वो एक दृष्टांत के माध्यम से कोई ऐसी कथा आपके और हमारे भीतर आ जावे तो वो कथा के माध्यम से आपका और हमारा जीवन बदल जावे, जीवन समर जावे। और यही कथा 7 दिन में इतने सारे वैष्णव कथा सुनने के लिए बैठते हैं भागवत जी के, लेकिन ये कथा सुनते सुनते यदि एक व्यक्ति का भी जीवन बदल जावे तो 7 दिन हमने जो कहा ना वो हमारे सफल हो जाएंगे, वो हमारे सफल हो जाएंगे। बस एक व्यक्ति का भी जीवन बदल गया ना हमारा सफल। ये कथा भगवत जी बहुत सारी चीज हमें प्रदान करती है। यहाँ पार्वती जी ने जब भगवत जी की कथा सुनी तो उनको क्या मिली, मन की शांति मिले कैलाश में। और जब मन की शांति मिली तो नींद आ गई पार्वती जी को, अब हरे हरे बोलना छूट गया और ध्यान में बैठ गए माँ पार्वती। देवताओं को चिंता हुई कि अरे ये पार्वती को नींद आ गई, अब ये अमर कथा घर घर तक कैसे पहुंचेगी। समस्त देवताओं ने सुखदेव जी महाराज को आज्ञा दी, जाओ महाराज आप एक काम करो, जो कैलाश में महादेव जी कथा सुना रहे हैं पार्वती को वो कथा आप सुनो, ये हमारी विनंती है। और समस्त देवताओं की विनंती सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज आज तोते का रूप लेकर आते हैं कैलाश में। और तोते को संस्कृत में कहा जाता है सुक, संस्कृत में तोते को कहा जाता है सुक। तो वह सुखदेव जी कैलाश में आए, महादेव जी के मुखारविंद से उन्होंने कथा सुनी अमर कथा। और बीच बीच में सुखदेव जी महाराज कहने लगे हरे नमः हरे नमः हरे नमः। जब महादेव जी के मुख से यह कथा समाप्त तो हुई, भोले बाबा ने नेत्र खोले और जैसे ही नेत्र खोले सामने देखा तो माँ पार्वती सोई हुई थी। अरे ये पार्वती सोई है तो कथा सुनी किसने। और उसी वक्त चारों बाजू भोले बाबा ने दृष्टि की तो एक पेड़ के ऊपर श्री सुखदेव जी महाराज हरे 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 का मंत्र जाप जप रहे थे कैलाश में। उसी वक्त भोले बाबा को क्रोध आया
और अपना त्रिशूल छोड़ा। आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे भोले बाबा का त्रिशूल। और उस वक्त सुखदेव जी महाराज ने कहा कि बाबा आपका त्रिशूल काम नहीं करेगा, क्यों? मैंने आपके मुख से अमर कथा सुन ली, आपके मुख से मैंने भागवत जी की कथा सुन ली, आपका त्रिशूल अब काम नहीं करेगा। अभयत्व प्रदान करती है ये भागवत जी की कथा। मृत्यु का भय, ये मृत्यु के भय में से मुक्त करती है ये भागवत की कथा। तो यह अमर कथा सुखदेव जी महाराज ने महादेव जी के मुखारविंद से सुनी, और वह सुखदेव जी महाराज ने आज घर घर परीक्षित राजा को सुनाई, और वो कथा आज हम घर घर तक सुन रहे हैं। ये अमर कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा ने को ये कथा सुनाई। ये कथा केवल परीक्षित राजा की नहीं है, लेकिन ये कथा प्रत्येक जीव की है। हम सब परीक्षित बने, उत्तम वक्ता और उत्तम श्रोता बने। भागवत जी के कुछ नियम हैं, और वह नीति नियम अनुसार आप कथा सुनो तो बहुत सारा पुण्य मिले ये कथा सुनने के बाद। कल्प वृक्ष है कथा को, हमारे संतों ने कल्प वृक्ष कहा है। और कल्प वृक्ष कैसा है हमें पता है कि वो कल्प वृक्ष पेड़ के नीचे आप बैठो, जैसी कल्पना आप करोगे तो वैसी कल्पना हमारी पूरी होगी, ये कल्प वृक्ष। बस उसी तरह 7 दिन तक ये जो पूरा सत्संग का ये पांडाल कहो, ये सत्संग भवन कहो, जो कहो सो, हमारे लिए कल्प वृक्ष है। और 7 दिन तक आप जैसी कल्पना करोगे वैसी कल्पना वल्डेश्वर दादा पूर्ण करेंगे, ये मेरा भरोसा है, ये मेरा विश्वास है। जैसी कल्पना आप करो अब आपके ऊपर है, कैसी कल्पना करनी, अच्छे विचार हमारे मन में लाना, क्या मांगना भगवान के पास, ये हमारे हाथों की बात है। कल्प वृक्ष, जैसी कल्पना करो पूर्ण हो। तो आओ वही कथा आज हम भी सुनने जा रहे हैं इस मंडल की पावन धराओं पर। नैमी सारण्य से हमारी कथा का प्रारंभ होने जा रहा है। भागवत की कथा नैमी सारण्य से शुरू होती है, ये कोई सामान्य भूमि नहीं हो नैमी सारण्य, लेकिन इस धरती से नैमी सारण्य की इस पावन धरा से हमें भागवत मिली। नैमी सारण्य की इस पावन धरा से आपको और हमको अलग अलग पुराण मिले, अलग अलग शास्त्र मिले, ये भूमि की महिमा है नैमी सारण्य। एक अर्थ भी बहुत सुंदर है नैमी सारण्य का, कि जो स्थान में बैठकर आपका और हमारा मन स्थिर बने वो हमारे लिए नैमी सारण्य। आप इतनी शांति से यहाँ बैठे हो ना, सही बताना 3-4 घंटे आप घर में बैठ पाओगे एक आसन के ऊपर? कोई आपको कहे कि 3-4 घंटे यू बैठे रहो खाली ऐसे बैठ पाओगे? नहीं, सब व्यवस्था हो, टीवी हो, फ्रिज हो, एसी हो, सब हो, लेकिन कोई आपको कहे कि 3-4 घंटा ऐसे बैठे रहो तो आप बैठ नहीं पाओगे। लेकिन ये 3-4 घंटा क्या, लेकिन आपके और हमारे हाथों से किस तरह 7 दिन निकल जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा ये सत्संग के। और मैं भरोसा के साथ कहता हूं कि जब 7 दिन पूरा होगा ना तो आप खुद कहोगे शास्त्री जी ये कथा 15 दिन की हो तो कितनी अच्छा, 7 दिन के उनकी जगह 15 दिन की हो तो कितनी अच्छा, ये महिमा है कथा की। एक आसन के ऊपर बैठकर आप जो ये कथा सुनते हो ना, ये कोई सामान्य बात नहीं है, हमारा एक अनुष्ठान है। फिर आप भी एक आसन के ऊपर एक नियम ले लो कि 7 बजे दैनिक कथा शुरू होगी, बराबर 7 से 11। अब एक टाइम की कथा है तो हमें कथा ही